हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप? शाबाश करूँगी, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है और दिन है आज, यानी कि कह लीजिए बुधवार का। तो जी, सुबह सुबह हो गई है और अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं कर रही हूँ अपना मुंह वॉश, यानी कि अपने मुंह को मैं धुल रही हूँ और बस ब्रश व्रश करूँगी, अपना फ्रेशन अप वगैरह होंगी। और जब तक जो है, अक्षित भी आज मेरे साथ ही उठ गया था, तो हम दोनों ही साथ उठे थे आज। और टाइम है तकरीबन सुबह के 7 बजे के आसपास का टाइम है फ्रेंड्स, क्योंकि छुट्टियां 2-3 दिन की और रह गई हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा और इनको इन्जॉय किया जाए, थोड़ा सा और जो है 7 बजे तक सोया जाए, क्योंकि फिर उसके बाद जो है 7 बजे का रक्षित का स्कूल हो जाएगा। तो फिर जो है कि उतने जल्दी से यानी कि जल्दी उठना पड़ेगा, फिर जो है इतने लेट तक हम लोग जो है नहीं सो पाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने जो है फेस वॉश से मुँह धुला है, नॉर्मल सा ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर कोई हाई फाई टाइप का फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना ब्रश देख रही थी कि बाथरूम के अंदर है कि बाहर ऊपर है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर टंगी हुई थी, 2-3 प्रकार की कोलगेट हैं और ब्रश वगैरह भी हैं। तो यहाँ पर मैं रक्षित को भी बुला रही थी कि रक्षित बेटा आ जाओ, तुम्हें भी जो है मैं ब्रश वगैरह करवा दूँ, क्योंकि ये था कि वैसे तो मैं इसको जब ये स्कूल जाता है तो रेगुलरली ब्रश वगैरह करवाती हूँ, बट अभी कह लीजिए कि घर पर रहता है तो इसका अभी थोड़ा बहुत शेड्यूल वगैरह बिगड़ा हुआ है। मतलब कभी इसके पापा करवा देते हैं, कभी मैं करवा देती हूँ, तो इसी प्रकार से तो थोड़ा बहुत ये रहता है कि कभी मम्मा नहलाती है, कभी पापा नहलाते हैं। तो जी, बस फ्रेशन अप वगैरह मैं हो गई थी अपना, फिर मैं आ गई थी उसके बाद किचन में। और यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने लाइट ऑन की है और फिर ये अपने 2-4 बर्तन हैं जो कि इधर उधर हो रहे थे। तो रक्षित यानी कि कह लीजिए कि हम लेट सोते हैं, तकरीबन 11-11:30 बजे के आसपास सोते हैं दोनों ही, मैं और यानी कि रक्षित कह लीजिए। और रक्षित पापा भी टीवी वगैरह देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है, बट ये है कि हम थोड़ा सा लेट सोते हैं और रक्षित जो है पूरा दिन यानी पूरी रात जो है ढूंढता रहता है। तो वही उसने ही अपनी नमकीन वगैरह निकाली हुई थी खाने के लिए, स्टूल लगा के जो है वो अपने आप ही जो भी उसको खाना होता है वो निकाल लेता है और अपना खाने के लिए बैठ जाता है। तो बस ये 2-4 बर्तनों को करूँगी अरेंज और उसके बाद जो है अपना किचन काउंटर साफ करूँगी, फिर जो है चाय पानी अपने लिए बनाऊँगी। तो जी, आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, हमारे इधर बारिश का हो रहा है और लग रहा है कि आज पक्का ही जो बारिश आएगी, और फ़ोन में भी शायद बताई हुई है मौसम विभाग ने कि बारिश वगैरह का मौसम है आज। तो बस अभी यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी किचन काउंटर साफ़ कर लेती हूँ, और क्योंकि फ्रेंड्स देखिए बारिश का जब मौसम होता है ना तो छिपकली और यानी कि कह लीजिए कि जो चींटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमें जब भी सुबह अपने किचन का काम शुरू करना है यानी कि चाय पानी वगैरह बनाना है, तो उससे पहले हमें किचन को एक बार साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कि रात को क्या चीज़ें चल रही हैं। और होता है कि देखो छिपकली वगैरह ज़्यादातर किचन में रहती भी है, मेरे भी रहती है, और अभी मेरे इधर छोटी छोटी छिपकलियाँ ज़्यादा हो रही हैं, पता नहीं क्यों। हालांकि मैं रेगुलरली फिनाइल वगैरह का पोचा वगैरह लगाती हूँ, फिर भी जो है ये चीज़ें नहीं रुक रही हैं। तो बस यहाँ पर कह लीजिए कि गैस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, हालांकि मैंने अभी मांझा नहीं है, सिर्फ कह लीजिए कि सूती कपड़े से मैंने उसको क्लीन किया है और नीचे से भी, गैस के नीचे से भी क्लीन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो है मैं किचन काउंटर को भी क्लीन करूँगी, और ये 1-2 रोटी रखी हुई है साइड में गाय को देने के लिए, क्योंकि काफ़ी बार जो है सुबह के टाइम पर गाय वगैरह आ जाती है बट काफ़ी बार जो है नहीं आती हैं, तो फिर मुझे जो है से ही कह लीजिए स्टॉक करके रखनी पड़ती है। जब भी गाय वगैरह आती है तो फिर उसको यानी कि गायों को मैं रोटियां वगैरह खिला देती हूँ। तो इसके साथ यहाँ पर जो है मैंने टाइल्स वगैरह भी साफ़ कर दी थी, और 2-3 चीज़ें हैं इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, और बिल्कुल अच्छे से कह लीजिए एक बार जो है अपने यानी कि सुबह का काम स्टार्ट करने से पहले जो है किचन काउंटर को बिल्कुल अच्छे तरीके से जो मैं यहाँ पर क्लीन कर लूँगी, ताकि मुझे बार बार चीज़ें साफ ना करनी पड़े, और फिर जो है अपना काम करके पूरा उसके बाद ही जो है मैं अपने गैस वगैरह को मांझ धुलूंगी और उसके बाद ही जो है काम करूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय के पानी चढ़ा रही थी, देख रही थी कि पानी ज्यादा तो नहीं है कि कम तो नहीं है, उस हिसाब से कि थोड़ा सा रहता है ना अपना, चाय ज़्यादा बन जाए तो भी फिर सही नहीं रहता, वेस्ट जाए। तो उसी हिसाब से मैंने सिर्फ 2 कप के लिए चाय ली है, और चाय पत्ती डाल दूंगी, चीनी डाल दूंगी, अदरक वगैरह मैं अभी इसमें डालती नहीं हूँ, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चाय वगैरह बनाती हूँ। उसी के साथ यहाँ पर मैंने ले ली थी एक लौकी, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी का रायता। तो जी हाँ, लौकी का रायता बनाऊंगी आज मैं। तो बस आधी लौकी मैंने कट कर ली है और इसको मैं छीलूंगी, और आधी लौकी जो उसको उठाकर फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि 2 ही जने का बनाना होता है फ्रेंड्स, फिर ज़्यादा बनाओ तो वेस्टेज जाता है। और हालांकि आधी घिया भी हम लोगों को शायद ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि दही भी रहेगी, रायता वगैरह काफ़ी बन जाता है। तो बस यहाँ पर कोशिश है कि थोड़ा सा वेस्ट कम जाए, अनाज वगैरह हमारा जो भी खाने का पदार्थ रहता है। तो बस यहाँ पर जो है घिया वगैरह मैंने छील ली थी, और उसके बाद कह लीजिए कि मैं चली गई थी दूध लाने के लिए, क्योंकि फ्रिज में दूध रखा हुआ था, मैंने कहा चाय मेरी उबल गई थी, जब तक मैंने कहा दूध इसमें मैं डाल देती हूँ, और चाय वगैरह मेरी उबल रही थी जब तक मैंने घिया वगैरह को चॉप कर दिया है, और इसको जो है मैं उबलने के लिए रख दूंगी
तो ये भी काम मेरा एक साथ के साथ हो जाता है जब भी मैं अपने लिए चाय वगैरह यानी कि कह लीजिए सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह यूज़ करती हूँ। तो जग को भी मैंने कर दिया था खाली क्योंकि मैं उसको धुलकर फिर से दोबारा भरूंगी। तो यहाँ पर चाय में आ गया था अच्छे से उबाल और थोड़ा सा दूध पतीले में रखा हुआ था वही बचा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में डाल दूंगी मैं यहाँ पर घिया वगैरह अपनी और चाय बैठ के जब तक जो है हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे तब तक जो है हमारी चाय वगैरह यानी कि जो है घिया वगैरह अच्छे से उबल जाएगी और फिर बनाऊंगी मैं घिया का रायता। तो जी घिया का रायता वगैरह रक्षित के पापा को भी पसंद है और रक्षित भी अच्छे से ठीक ठाक खा लेता है। मतलब ये कह लीजिए कि रक्षित जो है लिमिटेड सी चीज़ें खाता है जैसे कि मैं आप लोगों से हर बार बताती हूँ। तो रायता वगैरह भी थोड़ा बहुत कभी कभी उसका मन होता है तो खा लेता है, अदरवाइज जो है वो नहीं खाता है। फिर चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी ली थी और जो है मेरी घिया वगैरह भी उबल गई थी। उसके बाद में आ गई थी अंदर वाले रूम में। तो सबसे पहले डस्टिंग करते हैं, बेडशीट वगैरह को ठीक करेंगे। हालांकि मैंने ब्लैंकेट वगैरह की तय जो है वो कर दी थी, तो बस यहाँ पर ये छोटू वाला टैडी जो है वो रह गया था, ये इसको समझ नहीं आ रहा। तो जी बस इसको मैंने यहाँ पर इसमें जो अपनी पॉकेट्स होती है इसमें टांग दिया है तो थोड़ा सा ठीक भी लग रहा था और फिर अदरवाइज़ देखते हैं। और ये जो पिलो वगैरह मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे तो इनका ये कुछ ऐसे रोजी सा जो बीच में बना हुआ है यानी कि कपड़ा सा जो इसका अलग हो जाता है, तो बस इसको मैंने थोड़ा सा सेंटर करके अच्छे से इसको सेट कर दिया था। और ये जो जितनी भी इसकी कह लीजिए कि ये जो भी इतनी ये लड़ियाँ वगैरह हैं कह लीजिए कि जो इनके पत्ते वगैरह ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं और उसके साथ यहाँ पर मैंने चादर जो है अच्छे से झाड़ दी है और फिर दोबारा से बिछा दी। तो ये भी एक मेरा काम हो गया है साथ के साथ। और सुबह एक बार अगर हम लोग फ्रेंड्स रफ्तार पकड़ लेते हैं ना काम करने की कि बस नहीं अब ये करना है अब नहीं वो करना है तो फटाफट से हम लोगों का काम हो जाता है। अदरवाइज हम ये सोचे कि नहीं इतना कर लिया है अब थोड़ी देर बाद कर लूंगी फिर बैठ जाती हूँ, अब ये कर लिया है फिर बैठ जाती हूँ, तो उस हिसाब से काम जो है हमारा नहीं हो पाता है। तो रक्षित और रक्षित के पापा नहा रहे थे और तो यहाँ पर जो है मैंने रक्षित के लिए कपड़े निकाल दिए थे जो कि मैं उसको पहनाने वाली हूँ आज। तो कपड़े निकाल दिए थे, निकाल के मैंने साइड में ही रख दिए थे क्योंकि ये भी एक काम ही था अदरवाइज मुझे जो बाद में निकालने थे। और उसके बाद फिर मैं निकालने लग गई थी अपना झाड़ू और फ्रेंड्स कूड़ा इतना निकलता है कि बस पूछिए मत मेरे घर में से, मुझे ये समझ नहीं आता आता कहाँ से है। और दूसरा रीज़न ये था कि देखिए कल हम लोग घर पर थे भी नहीं, घर से बाहर गए हुए थे और आने के बावजूद भी इतना सारा कूड़ा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था 8-10 दिन से घर बंद था और इतना कूड़ा कैसे निकल आया। तो बस कह लीजिए आती अपने कामों पर लग गई थी। हालांकि कल भी मैंने थोड़ा बहुत काम किया था और उसके बाद कह लीजिए कि आज भी जो है मैंने डस्टिंग वगैरह करूँगी और अच्छे से जो है झाड़ू वगैरह निकाल लिया है। तो यहाँ पर रक्षित नहा लिया था, रक्षित नहाने के बाद जो मैंने उसको कपड़े वगैरह पहना दिए थे और यहाँ पर कह लीजिए उसको अच्छे से जो है सनस्क्रीन जो होती है हमारी लोशन वाली वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ उसको क्योंकि अभी जो है अभी इन दिनों में ज़रूरत है लगाने की क्योंकि इन दिनों में थोड़ा सा कहते हैं ना कि डार्कपन सा हमारी बॉडी में आ जाता है, ड्राई ड्राई सी हो जाती है। और फिर दूसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि रक्षित की जो आईज़ है ना, आईज़ के पास से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इसका ड्राई ड्राई लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल आज कह लीजिए बिल्कुल इसकी स्किन को मॉइस्चराइज़र कर दिया है, उसके बाद ऑयल लगा दूंगी। और फ्रेंड्स रक्षित को बाल भी आ गए अभी जो उसके स्कूल खुलने वाले हैं, हालांकि छुट्टियों में हमने उसको टकला करवा दिया था बट अभी जो आगे से उसको नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पर उसी के साथ मैंने उसको काजल वगैरह लगा दी थी। फिर आ गए थे रक्षित के पापा पूजा पाठ करने के लिए। तो यहाँ पर रूम में देख रही थी मैं कि ऊपर मतलब कुछ देख रही थी तो बस वही फिर उसके बाद थोड़ा बहुत रक्षित पापा से डिस्कस वगैरह किया। फिर मैंने जो लड्डू को उठा दिया था और मंदिर में बिठा दिया था, फिर वो कर रहे थे अपनी पूजा पाठ की तैयारी। और जो पेड़ा रखा हुआ था मंदिर में प्रसाद का वो मैंने ले लिया है, उसको जो है मैं खा लूंगी। तो बस उसके बाद रक्षित पापा करेंगे पूजा। और ये एप्पल रखी हुई थी कल लड्डू गोपाल के पास तो वो उन्होंने मुझे दे दिया कि इसको खा लो काट लो इस तरीके से। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यानी कि बाथरूम की तरफ, अपना बाथरूम वगैरह क्लीन करूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने रक्षित की चप्पल वगैरह क्लीन की है क्योंकि नहा लिया था रक्षित तो उसकी चप्पल वगैरह बाहर ही रह गई थी। और जब मैं तो ज़्यादातर यही देखती हूँ कि जब हम लोग नहा रहे होते हैं तभी हमारी जो है स्लीपर्स वगैरह क्लीन हो जाए तो अच्छा रहता है और ज़्यादातर बाहर वगैरह हम लोग बहुत ही कम जाते हैं क्योंकि अदरवाइज़ छत पर चले जाएँ या फिर अंदर अपना काम हो जाए सो जाते हैं या फिर टीवी वगैरह देख लेते हैं, इसी प्रकार से हमारा रूटीन रहता है। तो हम लोग के ना तो किसी के घर पे जाते हैं और ना आते हैं, अपने घर में ही थोड़ा सा व्यस्त रहने की कोशिश करते हैं। तो मैंने कहा इसकी चप्पल वगैरह को मैं धुल देती हूँ और तो थोड़ा सा अंदर अंदर रहेगा तो काफ़ी यानी कि थोड़ा सा कूड़ा यानी कि अगले दिन थोड़ा सा कम निकलेगा। फिर भी पता नहीं फ्रेंड्स कहाँ से इतना सारा कूड़ा जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर कह लीजिए कि मैंने जो वॉश बेसिन अपना कर लिया था अच्छे से क्लीन, उसके बाद बारी आती है बाथरूम को साफ करने की। तो जी बाथरूम का जो सर्फ मैं यूज़ करती हूँ यानी कि कह लीजिए बाथरूम वगैरह क्लीन करने के लिए टाइल्स वगैरह को रेगुलर ही करती हूँ मैं, डेली का मेरा रूटीन रहता है फ्रेंड्स। और मैं एक बात आप लोगों से यहाँ पे शेयर करना जरूर चाहूंगी कि आप लोग चाहे कुछ भी साफ करें या ना करें बट आपका बाथरूम जरूर क्लीन होना चाहिए क्योंकि बाथरूम में हमारे बहुत 70 प्रकार की कह लीजिए बीमारियाँ रहती हैं और कहते हैं कि 70 प्रकार की नेगेटिविटी भी रहती है। तो उस चीज़ को हमें बाथरूम को अगर हम साफ सुथरा नीट एंड क्लीन रखेंगे तो हमारे घर में सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित सी नजर आएंगी, ऑर्गेनाइज सी लगेंगी और मतलब कह लीजिए कि वास्तु दोष में भी बहुत सारा फर्क यहाँ पर पड़ता है।
होता है। तो मैं तो डेली ही सर्फ डाल के क्लीन करती हूँ। अब चाहे तो आप इसको कह सकते हैं कि मैं सर्फ का नाश करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट्स कर लेते हैं पॉजिटिव ना ले जाकर नेगेटिव चीज़ों को ले जाते हैं। तो बस उन्हीं लोगों को यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि भैया देखो ये मतलब सर्फ जो है लोकल वाला ही था, ऐसा नहीं है कि मैंने ब्रांडेड वाला सर्फ यूज़ किया है, बट ये था कि देखो डेली से जो है मेरा बाथरूम क्लीन हो जाता है और काफ़ी अच्छा जो कह लीजिए कि साफ सुथरा भी लगता है। और बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि बाथरूम एनी टाइम चमकता रहता है, चाहे कोई गेस्ट आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, कोई ये नहीं बोल सकता है कि बाथरूम वगैरह मेरा गंदा है। तो यहाँ पर जाली में मैं देख रही थी कि पानी वगैरह शायद रुक रहा है कि क्या था, तो बस वही चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी हैं, बट सब कुछ ठीक ठाक था, पानी वगैरह जो है नहीं रुक रहा था। और मुझे ही ऐसा लग रहा था क्योंकि मैंने दोनों बाल्टी एक साथ ही शायद खाली कर दी थी, तो उस वजह से पानी का प्रेशर थोड़ा सा वो हो गया था। उसके बाद मैंने बाथरूम वगैरह की जो टाइल्स यानी कि फ्लोर था वो कर लिया था क्लीन, उसके बाद बाल्टी वगैरह को भी अच्छे से मांज दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए हर दूसरे दिन मेरे को बाल्टी भी मांजनी पड़ती है। उसका रीजन ये रहता है कि सप्लाई का पानी जो है आजकल थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब कह लीजिए कि हल्का हल्का येलो पन सा पानी में मुझे देखने को लग रहा है। तो बस वो जो है व्हाइट कलर की बाल्टियां हैं, तो इस पे थोड़ा सा कह लीजिए कि वो जो व्हाइट कलर पे येलो येलो सा जम जाता है, फिर जो है फ्रेंड्स नहाने का भी मन उन बाल्टियों में जो नहाने का भी मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं इनको वॉश कर देती हूँ। और फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़ोरदार बारिश यहाँ पर हुई है, काफ़ी अच्छे से जो है बारिश हुई है, बहुत ही अच्छा, यानी कि बहुत कह लीजिए कि बारिश होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स मिला है, बट बारिश जैसे ही ख़त्म हुई फिर से जो है पूरे में उमस उमस हो गई थी और बिल्कुल चिपचिप वाली गर्मी जो है लग रही थी। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया है आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर भगवान जी बरस चुके हैं, यानी कि कह लीजिए कि बारिश वगैरह हो चुकी है। और थोड़ा सा कह लीजिए मौसम में फ़र्क ज़रूर आया है, बट कह लीजिए कि गर्मी गर्मी तो उसी प्रकार से लग रही है। 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं कहेंगे कि भाई ज़्यादा फ़र्क है मौसम वगैरह में, बट ये है कि चलो ठीक है। तो बस उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पर जो है मैं बनाऊँगी खाना। आटा वगैरह मैंने पहले ही लगा लिया था और रायता भी जो है रक्षित पापा ने यानी कि बना के रख दिया था, बट उसके बाद जो मुझे रायते में तड़का वगैरह लगाना था तो तड़का मैं लगाऊंगी। और यहाँ पर जो है मैंने एक साबुन की बट्टी निकाल ली है बर्तन वगैरह धोने के लिए, तो ये इस बार जो है निप वाली शायद साबुन आई है, बट मैंने ये जो कम ही यूज़ करती हूँ मैं इसको, क्योंकि पतंजलि वाली साबुन वगैरह यहाँ पर मिल नहीं रही थी, तो इसी वजह से ये वाली साबुन आई है। तो इसको यूज़ करके देखते हैं कैसी रहेगी कैसी नहीं। उसके बाद मैंने घी डाल लिया था कड़छी में क्योंकि मैं लगाने जा रही हूँ रायते में तड़का। तो जी रायते में तड़का लगाने के बाद भी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए अच्छे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। जीरा डाल के और हींग डाल के मैं तड़का लगाती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं इसमें ऐड नहीं करती हूँ, मतलब कि कुछ और चीज़ें जो होती होंगी लहसुन वगैरह काफ़ी लोग काट के डाल देते होंगे, मिर्ची डाल देते होंगे, बट मैं उस प्रकार से नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ यानी कि कह लीजिए कि घी और जीरा और हींग डालकर जो है तड़का लगा देती हूँ और अच्छे से जब तक जीरा जो है मेरा आँच ना पकड़ ले यानी कि कह लीजिए आग ना पकड़ ले तब तक जो है मैं उसको उतारती नहीं हूँ। अब देखिएगा जीरे में जैसे कि आग वगैरह पकड़ी हुई है, तो इसी प्रकार से जो है मैं इसको जो इसके अंदर छोड़ दूंगी काफ़ी अच्छे से। कह लीजिए कि खुशबू जो आती है ना फ्रेंड्स बहुत ही अमेजिंग वाली आती है और रायता वगैरह खाने का मज़ा ही एक अलग है। तो बस यहाँ पर जो है उसके बाद मैंने तवा चढ़ा दिया था रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो बस यहाँ पर जो है टिफ़िन वगैरह को अच्छे से अपने झाड़ पोछ लूँगी और उसके बाद कह लीजिए कि जो है ये अपने रोटी वगैरह बनाकर रखूँगी। सबसे पहले जो है आज मैं रक्षित को खाना दूंगी क्योंकि आज जो है मैंने उसको कुछ नहीं दिया था फ्रेंड्स, सुबह उसने जो चाय वगैरह दूध वगैरह पिया था वही पिया था, उसके बाद मैंने उसको दही बूंदी वगैरह कुछ नहीं दिया है। तो अब भी जो उसको जोरदार भूख लगी हुई है वो इतनी बार मुझे बोल चुका है कि मम्मा खाना तब बनाओगी, मम्मा खाना तब बनाओगी, इस प्रकार से बोल चुका है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए मैं खाना बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर पहली रोटी गाय माता की और फिर जो है बनाऊंगी रक्षित के लिए एक पराठा, तो पराठा भी मैंने जो है बना दिया है लगभग सा, और रायता दूंगी उसको थोड़ा सा क्योंकि अगर वो खाएगा मूड में आएगा तो खा लेगा, अदरवाइज जो है वो रायता वगैरह कम ही खाएगा। तो बस अभी जो है कह लीजिए कि यहाँ पर एक दो पराठे मैं बना दूंगी, अगर खाएगा तो खा लेगा, अदरवाइज जो है एक ही पराठा वो जो है वो रक्षित खा लेगा। तो जी बस फ्रेंड यहाँ पर पराठे बनाऊंगी और उसके बाद जो है रोटियाँ बनाकर रख दूंगी अपने सबकी, और बाद में जब हम खाएंगे 12 बजे के आसपास जो है खाना खा लेंगे, क्योंकि अभी तो भूख वगैरह नहीं थी उतनी कि भैया अभी खाएं, और सुबह का टाइम हो गया था तकरीबन मुझे सब काम करते करते 10 बज गए थे, क्योंकि देखिए 3 घंटे आराम से लग जाते हैं जब तक हम झाड़ू वगैरह निकालते हैं डस्टिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि पूरा घर जो है वो हमें समेटना होता है, पूरा अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज करना होता है। और ऐसा नहीं है कि भैया मतलब कुछ भी चीज़ मैं ऐसे छोड़ देती हूँ, नहीं, मेरी शुरू से ही हैबिट ये रही है कि हर चीज़ को मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरा करके रखती हूँ।
तो उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने रक्षित के लिए पराठा जो है कट कर दिया था और यहाँ पर जो है रायता डाल के रख दूंगी रक्षित के लिए। और रायते का कलर था कुछ इस प्रकार से, देखिए बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर आया था उभर कर, बहुत ही अच्छा जो है वो लग रहा था। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा रायता डालूंगी रक्षित के लिए, और अगर नहीं खाएगा वो तो उसको जो है इसमें थोड़ी सी दही और ऐड करके मैं दे दूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो है खाना वगैरह मेरा बन गया था, रोटियाँ वगैरह, और यहाँ पर जो है रक्षित के पापा की रोटी जो है वो मैं बनाकर यानी कि घी लगाकर जो है बेले में रख रही थी, क्योंकि जब तक जो है गर्म रहेंगी डब्बे में जब तक कि वो खाएंगे तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास खाएंगे। और रोटियाँ जो है मैंने अभी बना के रख दी थी, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी में देखिए बार बार जो है चूल्हे के पास नहीं जाया जाता है, बार बार जो है रोटियाँ नहीं बनाई जाती है, तो इसलिए मैं एक ही बार में ही बना के रख देती हूँ रोटियाँ, जैसे कि मेरा काम जिस हिसाब से होता है ब्रेकफास्ट करने के बाद खाना वगैरह बना के रख देती हूँ ताकि जो है कि बाद में खा ली जाए। फिर ये भी है कि देखो बार बार नहीं हिम्मत होती है कि बार बार चूल्हा जलाएं, बार बार जो है जाएं। और उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, क्योंकि बारिश हो चुकी थी, बारिश जो है इस टाइम पे रुक गई थी, और पेड़ पौधे की कुछ कुछ एक दो टहनियाँ हैं वो नई नई सी आ रही थी और कुछ कुछ जो है बिल्कुल सूख गए थे। तो ये भी देखिए बिच्छू बंटे कितने अच्छे तरीके से जो है फैल गई। तो जी बस कुछ पेड़ पौधे आप लोगों को दिखा रही थी, और हो सकता है कि बारिश की पहली बारिश है, यानी कि कह लीजिए गर्मियों में अब भी थोड़ी सी बहुत बारिश वगैरह हुई है, तो अब जो है थोड़े बहुत पेड़ पौधे वगैरह मेरे ठीक ठाक हो जाए। और उसके बाद मैं छत पे ही आई थी, क्योंकि जाल वगैरह मुझे जो है उघाड़ना था, यानी कि जाल को ये जो टीन वगैरह ढकी हुई थी इसको मुझे हटाना था, क्योंकि बारिश के टाइम पर जो है मैं इसको ढक देती हूँ, और फिर ये रहता है कि बाद में जैसे कि मैंने अभी खाना वगैरह बनाया था तो पूरे घर में जो उमस वगैरह हो गई थी, और फिर ये था कि जाल उघाड़ दूंगी तो थोड़ा सा यानी कि बाहर की थोड़ी ताज़ा ताज़ा हवा जो है घर में आ जाएगी। तो पेड़ पौधे वगैरह कुछ इस प्रकार थे, और शमी का पेड़ हो गया था काफ़ी अच्छा मेरा, काफ़ी बड़ा हो गया था, और बस ये जो एक दो फूल वगैरह पत्ते वगैरह नई नई से आ भी रहे हैं और कुछ जो है झड़ भी रहे हैं। एक दो पेड़ जो है मेरा बिल्कुल ही सूख गया है, पता नहीं वो दोबारा से फूटेगा कि नहीं फूटेगा, बट जो भी था देखते हैं। और ये जो है सदाबहार के पौधे थे, ये काफ़ी कह लीजिए कि मुरझा मतलब बड़े हो गए थे, तो ये जो उनका झुकाव उधर की तरफ हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और फिर जो है मैं यहाँ पर कह लीजिए अपना सिंक वगैरह इसको धो लूँगी, टाइल्स वगैरह है ये भी धुल लूँगी अच्छे से, जो इसको वॉश कर लूँगी, बर्तन वगैरह जो है मैंने धुल लिए थे, तो बस अभी जो है इसको साथ के साथ सारा काम ये भी अपना निपटा दूंगी, और फिर जो है पोछा वगैरह लगाऊंगी जो मेरा ऑलमोस्ट काम जो है वो हो जाएगा। तो ये पानी की बोतलें थी, 2-3 पानी की बोतल जो मुझे भर के रखनी पड़ती है, क्योंकि होता है ना कि कभी कोई बाहर वाला भी आ जाता है मांगने पानी वगैरह पीने के लिए, तो इन दिनों में जो है वैसे भी पानी के लिए तो फ्रेंड्स किसी को मना भी नहीं करना चाहिए, तो वही वाली बात थी, तो बस पानी वगैरह के लिए किसी को मना भी नहीं करना चाहिए, और बस तो पानी की बोतल इसलिए मैं भर के रखती हूँ, अदरवाइज़ जो हम लोग मटके का ही पानी पीते हैं। जो बस यहाँ पर जो है मैंने गैस वगैरह को भी मांझ लिया था, अब जो इसको अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, और उसके साथ साथ कह लीजिए कि सिंक वगैरह भी धुलूंगी। और तो जी बस गैस वगैरह मेरी साफ़ हो गई थी, उसके बाद मैंने किचन काउंटर वगैरह भी साफ़ कर दिया था, और बोतल वगैरह को धो धो के इनमें पानी वगैरह भी भर दूंगी मैं, और फिर जो है फ्रिज में रख दूंगी सबको। और उसके बाद जो है फ्रिज वगैरह भी मुझे यहाँ पर क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि रहता है ना कि 3-4 दिन में जब भी थोड़ा बहुत फ्रिज वगैरह को क्लीन करने की ज़रूरत ही पड़ती है। तो यहाँ पर रक्षित पता नहीं क्या करके गया है फ्रिज में, कुछ भी थोड़ा मोड़ा जो भी यानी कि जूस वगैरह के पीने की कोशिश की होगी उसने, और उसी के साथ यहाँ पर जो है मैंने फ़ैन चला लिया था, क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं गैस वगैरह चलाती हूँ तब तो मुझे फ़ैन वगैरह बंद रखना पड़ता है होल का, क्योंकि गैस को फिर हवा लगती है, अदरवाइज़ ये है कि मैं फ़ैन वगैरह चालू रखती हूँ ताकि काम वगैरह करूँ तब तक जो है मेरा अच्छे से काम वगैरह हो जाए। तो जी फ्रिज वगैरह मैंने यहाँ पर साफ़ कर लिया था, उसके बाद कह लीजिए कि मैं पोछे लगाने की तैयारी करी थी, तो फिनाइल वगैरह मैंने डाल दिया है, क्योंकि बारिश के मौसम में हमें जो है फिनाइल वगैरह ज़रूर डालना चाहिए, हालांकि हम सर्दी वगैरह में ना डालें तो भी चल जाता है गर्मियों में, और एक जब हमारा बारिश का मौसम रहता है तब हमें जो है फिनाइल वगैरह ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि फिनाइल से ये रहता है कि देखो बारिश के टाइम पर कीड़े काटा कुछ भी जो है घर में निकल जाता है, क्योंकि खासकर जो नीचे का फ्लोर रहता है उस पर तो ज़्यादातर ही निकलते रहते हैं, क्योंकि सीवर लाइन काफ़ी पास रहती है जो कि सेकेंड फ्लोर रहता है, थर्ड फ्लोर रहता है, तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो उसके बाद पोछा वगैरह मैंने लगा लिया था, और तो फ्रेंड्स ये सीधा टाइम शाम का टाइम यानी कि पूजा पाठ का टाइम, तो जी यहाँ पर मैं अग्नि बना रही थी गोसे की, और बस थोड़ी सी आँच बनाऊंगी उसके बाद जो अपनी पूजा पाठ करूंगी, जो कि मैं रेगुलर ही करती हूँ, हालांकि कह लीजिए जब महिलाओं की प्रॉब्लम होती है तो बात थोड़ी सी अलग है कि तब मैं नहीं कर पाती हूँ, बट वैसे रेगुलर ही जो है मेरा रूटीन है शाम को पूजा पाठ करने का, क्योंकि आजकल दुनिया पता नहीं मतलब सभी ऐसे हैं कि शायद कोई कुछ तो थोड़ा सा अपना भगवानों को मनाए रखना थोड़ा सा सही रहता है। तो बस यहाँ पर मैं 2 दिए जोड़ती हूँ शाम को, एक मेन गेट पे जोड़ती हूँ और एक जो है मंदिर में लगाती हूँ, तो बस इसी दुआ के साथ कि भैया सब कुछ मतलब ठीक ठाक रहे और सब अच्छा रहे,
तो बस यहाँ पर बाहर जो मैं दिया लगाती हूँ फ्रेंड्स, उसमें मैं थोड़े से काले तिल भी लगा देती हूँ, यानी कि डाल देती हूँ हल्के से। मतलब मैंने, मुझे भी किसी ने बताया था बाहर, घर के बाहर दिया लगाना, ये मैं तब से कर रही हूँ जब से रक्षित की दादी जो है बीमार वगैरह हुई थी, तब से कर रही हूँ, तो काफ़ी बेनिफिट भी है मुझे इससे। और वैसे भी कहते हैं ना, भगवान सब कुछ देते हैं, भगवान से हमें कुछ भी जो जरूर मतलब मांगने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि भगवान जो हमारे माता पिता रहते हैं उनको सब चीज़ों का पता रहता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं सब कुछ। तो बस एक दिया मैं बाहर लगा दूंगी, उसके बाद मैंने एक दिया मंदिर में लगा दिया है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो आज मैंने बनाई थी वो ले आई थी, उस पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया गूगर और लोबान। उसकी धुनी जो है मैं घर में सुबह यानी कि शाम को टाइम पे ज़्यादातर देती हूँ, और सुबह के टाइम पे जो है रक्षित के पापा कप वाला गूगल जो आता है वो लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से जो है हम घर में दिया बाती अपना करते हैं, और इसी प्रकार से जो मैं अपने सारे रूटीन को लेकर चलती हूँ। रक्षित जो है वो खेलने लग रहा था। तो ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।